जी शेख, मेरा सवाल ऐसा था शेख कि कुछ मीडिया में हम देख रहे होते हैं शेख कि बहुत से लोग तोहमते लगा रहे होते हैं शेख कि इस्लाम में तो जी इस्लाम में तो इकरा इकरा नाम का क्या इकरा नाम से शुरू हुआ है कुरान का रिवेलेशन, तो आप लोग लड़कियों को पढ़ना क्यों नहीं देते इकरा बोल के, तो आपको तो दूर दूर भी पढ़ना भेजना चाहिए करके। मेरा असल सवाल ये है शेख कि इकरा में जो अल्लाह ने हुक्म दिया है ये दीनी दीनी इल्म हासिल करने का फर्ज लाइन है या फिर इसमें दुनियावी इल्म भी आएगा? जज़ाकअल्लाह। बिल्कुल, हमारी शरीयत में हमारी शरीयत की इब्तिदा या वही की इब्तिदा हमारे दीन में इकरा से हुई। और कोई भी मुसलमान जो दीन के बारे में थोड़ी सी समझ रखता है वो इस बात से इनकार नहीं करेगा कि हमारे दीन ने पढ़ने पढ़ाने को जितनी अहमियत दी है दुनिया के किसी दीन ने नहीं दिया है। और ये कहना कि आप लोग लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हो ये गलत है। अगर कोई जाहिल आदमी या दीन के बारे में समझ नहीं रखता है वो कोई ऐसी बात करता है तो उसका एतबार नहीं, वो दीन का तर्जुमान नहीं है। दीन के तर्जुमान दीन के उलमा हैं। तो हमारी शरीयत में लड़कियों को मुकम्मल तौर से पढ़ने की आजादी है, लेकिन पढ़ने और पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि शरीयत के जो दूसरे हुदूद हैं चाहे वो लड़कों पर या लड़कियों पर वो हुदूद खत्म हो जाएंगे। जाहिर है आप हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनमें हमारे ऊपर कई सारी पाबंदियां हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं जो है पढ़ना चाहता हूं, अभी मैंने जो है इंटर नहीं किया हुआ है, मैं पीएचडी करना चाहता हूं, क्या मुझे इजाजत है? नहीं, एक निजाम है उस निजाम से चलना होगा मुझे। तो इसी तरह से भाई शरीयत में भी आपको पढ़ना है आपके लिए ये निजाम है, आपको इसकी पाबंदी करनी है, पढ़िए जहां तक पढ़ना चाहे वहां तक पढ़िए। तो ये तो हिपोक्रेसी है कि आपने जो निजाम बनाया हुआ है लोगों को उसका पाबंद करना चाहते हैं। तो भाई अल्लाह ने भी निजाम बनाया हुआ है, उस निजाम के दायरे में रहते हुए लड़की को जहां तक पढ़ना चाहे वो उसको पढ़ने की इजाजत है, हमारी शरीयत ने मना नहीं किया है। और अभी माशाल्लाह इन दिनों में तो बहुत सालों से जगह जगह पर लड़कियों के लिए खास कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, दीनी इदारे भी और जो है असरी इदारे भी खोले जा रहे हैं। तो लड़कियों की तालीम की मुखालफत हरगिज नहीं है हमारी शरीयत में, बल्कि जिस तरह से लड़कों को तालीम का हक है उसी तरह से लड़कियों को भी तालीम का हक है और देना चाहिए। और माशाल्लाह अवेयरनेस आ रहा है मुसलमानों के अंदर, लेकिन तालीम के नाम पर नंगपना हमारे दीन में मकबूल नहीं है। तालीम के नाम पर बेहयाई बेशर्मी मकबूल नहीं है। तो अगर आप बेहयाई और बेशर्मी को तालीम का नाम दे रहे हैं तो भाई दूर से सलाम ऐसी तालीम को। तालीम जरूरी है, तालीम जरूरी है, लेकिन हया और शर्म और इंसानियत और फितरत की हिफाजत करने के साथ साथ वो भाई तालीम इंसान को मुहज्जब बनाने के लिए है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कोई भी दुनिया का कोई भी इल्म चाहे दीनी इल्म हो या दुनियावी, यहां तक कि मैथ और साइंस की तालीम भी, सबसे पहला असर तालीम का ये होना होता है कि वो इंसान को इंसान बनाता है, मुहज्जब इंसान बनाता है। और जो चीज खिलाफे तहजीब है अगर जो है तालीम में वो चीज आ जाए तो फिर तालीम का फायदा क्या है? भाई जिस मकसद से तालीम आप ले रहे हो इंसान बनने के लिए, मुहज्जब बनने के लिए, अगर वो तालीम आपको गैर मुहज्जब बना रही है तो ऐसी तालीम का क्या फायदा? तो औरत एक लड़की कि सबसे बड़ी तहजीब है उसकी शर्मो हया, उसकी इफ्फत और इस्मत, उसकी इफ्फत और इस्मत की हिफाजत उसके लिए तमाम चीजों पर मुकद्दम है। तो अगर इन चीजों की हिफाजत करते हुए तालीम दी जा रही है तो मुकम्मल तौर से हमारी शरीयत और हमारे दीन से ज्यादा लड़कियों की तालीम को कोई सपोर्ट नहीं करता है। और ये सरासर झूठ है। असल में जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग तालीम के मुखा वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से अपनी लड़कियों अपनी औरतों को उन्होंने लोगों के हवाले कर दिया है, भीड़ के हवाले कर दिया है, बाजार के हवाले कर दिया है, बेहयाई और बेशर्मी और नंगपना के हवाले कर दिया है, तालीम के नाम पर दुनिया की हर बदतहजीबी हो रही है, वो चाहते हैं कि मुसलमान ऐसा क्यों नहीं करते? भाई हम तालीम औरत को आला पैमाने तक दिलाना चाहते हैं, लेकिन औरत की इज्जत और इस्मत और उसकी हया और गैरत की हिफाजत करते हुए आप इंतजाम कीजिए।